ये देख मेरे प्लेट में क्या है, दिखी गया फ्राइड मोमो और तंदूरी मोमो। याद है ना वो जब गाड़ी में आपने चाबी छोड़ दी थी, फिर आप ढूंढ रहे थे। चलो मैं बंद कर देता हूँ अब। आज हम लोग खा रहे हैं बहुत महीनों बाद रोपड़ के चना मसाला। टिडी टिडी टेस्टिंग 1 2 3। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली व्लॉग। दोस्तों आज हम लोग निकले हुए हैं कुछ कुछ काम निपटाने, कल बताएंगे क्या जो भी चीजें हो रही है वो सब चीजों का। बस कुछ कुछ काम निपटाने हैं और एक आध और काम निपटाने हैं, दो चार और काम निपटाने हैं। आप लोग बड़े अजीब अजीब से कमेंट करते हो यार कि काम निपटाना मतलब काम निपटाना होता, किसी से मिलना नहीं होता। हाँ मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी, देख लो खाली है। हाँ देख लो देख लो। जोक्स गाइस, आइए दिन चालू करते हैं। सुबह सुबह आलू पराठे खाए थे वो देख लो एक बार। मैंने सोचा ब्लॉग गाड़ी से स्टार्ट करता हूँ और अब हम लोग दुकान पे जाके मिलते हैं आपसे। ऐसा काम निपटाना कभी बार किसी से मिलना भी हो सकता है, यू नेवर नो, इसलिए कीप योर कमेंट्स कमिंग। सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है हमारा आलू पराठे के साथ, जिसके अंदर हम लोगों ने बटर डाल रखा है, थोड़ा सा हरी चटनी डाल रखी है और थोड़ी सी घोंगरा चटनी डाल रखी है, थोड़े से साथ में ग्रेप्स ले रखे हैं और 2 pieces ऑफ पराठा। और ये आजकल नई चीज हो रखी है, जब भी टैबलेट को बंद करके ऑन करता हूँ ये यूट्यूब में ऐसे एरर आ जाता है। सब कहाँ पार्किंग मिल रही है, इतना क्या बिजी है। एक पॉइंट पे ना मेट्रो वॉक बहुत पॉपुलर होता था, अब इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह भी नहीं है। अम्यूजमेंट पार्क के लिए लोग आते हैं, मैकडोनल्ड्स आई थिंक यहाँ पे है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे थी पर अब नहीं है और कुछ कुछ नई चीजें आई हैं। लोग मोस्टली यहाँ पे डिकैथलॉन के लिए आते हैं। पार्किंग इज अनरीजनेबल हियर, 50 रुपए की पार्किंग होती है वीकेंड्स पे और वीकडेज पे 40 रुपए की। सिनेपोलिस की सबसे सही पार्किंग है 20 रुपए की पार्किंग। और मैं अभी रिसेंटली गया था ये कौन सा टैगोर गार्डन वाला, पैसिफिक मॉल टैगोर गार्डन वाला, पार्किंग के चार्जेस ही नहीं लिए भाई। मतलब कभी कभार लगता है कि हाँ यार पार्किंग इस मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, पेट्रोल वेट्रोल लग रहा है तो पार्किंग तो क्या ही छोटी चीज है। चांदनी चौक जैसी जगह में गए थे तो वहां पे पार्किंग वॉज लाइक 100 रुपए की थी हमारी, मतलब 3-4 घंटे की। मतलब वहां पे होता है 50 रुपए की अपफ्रंट देने पड़ता है और उसके बाद फिर घंटे के हिसाब से होता है, 6 घंटे के 50 रुपए और, तो ऐसे रहता है। यहाँ पे समझ आता है चांदनी चौक में पार्किंग इस कम, यहाँ तो इतनी सारी पार्किंग की जगह फिर भी इतना महंगा, नो आइडिया व्हाई, नो आइडिया। डिकैथलॉन पे जब भी आओ टेबल टेनिस या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में मजा आता है, अलग ही फील आता है। मेरे को पता नहीं है कितनी बार सही है, बट मैंने नेट पे देखा था, नेट पे क्या है रील पे देखा था कि ये जो जैसे अगर ये तो जैसे थोड़ा कपड़ा मोटा लग रहा है, कपड़ा अगर हल्का होता ना इसको हैंगर पर डालते हो तो ये कॉलर झूल जाता है, तो इसको फोल्ड करके रखना चाहिए अगर कपड़ा हल्का होता है तो, या स्वेटर तो कॉलर झूलना है ना। यहाँ पे आते थे हम लोग बचपन में, ये मैकडोनल्ड्स पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करिए, फिर यहाँ पे ये जो 90 देख रहे हो ना, इसके पास में एक रेस्टोरेंट होता था, मेरे एक दोस्त होता था जिसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करा है। आज से 8-10 साल पहले यहाँ पे बड़ा मतलब अलग वाइब होता था, अब थोड़ा ना इसकी वाइब चेंज हो गई। अब लोग मोस्टली यहाँ पे इसी के लिए आते हैं, डिकैथलॉन के लिए आते हैं या फिर वो आगे एडवेंचर आइलैंड है और वो एक एयरप्लेन वाला रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा है उसके लिए आते हैं। बाकी पूरा मॉल जो है ना अपने आप में चलता है, पीपल कम हियर बट Not as much as they used to 10 साल पहले। खैर हम लोगों को अभी मॉल हॉपिंग करनी है, एक मॉल से दूसरे मॉल जाना है, उसके बाद फिर शाम को शायद एक और जगह पर जाना है। Lot of things to do today. Let's go. यहाँ पे ना मॉल में क्या चेंजेस हो गए, पहले ये मॉल था, स्टोर्स वगैरह मॉल के अंदर थे, अब मॉल के बाहर आई थिंक मॉल से ज्यादा स्टोर्स हो गए। गाड़ी भी गंदी हो रखी है, साफ करवानी है। ओ भाई गाड़ी वाले भैया ना कभी भी छुट्टी मार जाते हैं, और गाड़ी वाले भैया मोस्टली उन दिनों छुट्टी मारते हैं जब गाड़ी यूज में हो। इसको ना और इनको बढ़िया बनाना चाहिए, मतलब ये रोहिणी वाले लोगों को पता होगा मेट्रो वॉक वाज वन ऑफ द फर्स्ट मॉल्स ऑफ रोहिणी प्रॉपर, जिसको बोलेंगे ना सिटी सेंटर। सिटी सेंटर थोड़ा कमर्शियल वाला होगा, मेट्रो वॉक की ना वाइब ही अलग है, मतलब काफी ग्रीनरी वगैरह सब कुछ अच्छा है। धीरे धीरे विद टाइम शायद और चेंजेस आएंगे यहाँ पे, मजा आता है, मतलब काफी यहाँ पे ना मेट्रो वॉक के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है, तो देखते है ना तो पुराने दिन याद आते हैं, अच्छा लगता है मस्त। ये था रोहिणी का पुराना मॉल, सबसे पुराना मॉल, यहाँ पे भी बहुत बर्थडे पार्टीज वगैरह करी। अब ये वाला मॉल जो है फॉर सम वियर्ड रीजन ये मॉल बहुत चलता है। खैर हम लोगों को क्या है, जब जहाँ पे जिस चीज का काम है वो काम निपटाओ और अपना चलो जो मॉल। अभी तो इतने सारे सिटी
ये यूनिटी वन आ गया, एम्बियंस मॉल आ गया, शॉपर्स स्टॉप आ गया, बहुत सारे मॉल्स आ गए, बट दीज वर द टू मॉल्स जो बहुत चलते थे। जब यहाँ पे मार्केट 99 खुला था ना, तो लगता था हर चीज 99 में मिलेगी। फिर धीरे धीरे पता चला इसका तो MRP ओनली लास्ट के टू डिजिट 99 है, तो मार्केट 99 में 1099 वाली चीज मिली, विच इज अल्ट्रा वियर्ड। और पहले यहाँ की ऑथराइज्ड पार्किंग जो होती थी वो सिर्फ नीचे अंडरग्राउंड वाली होती थी, धीरे धीरे और अंडरग्राउंड वाली होती थी और इसके पीछे पार्किंग होती थी। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी हुई थी, कोई शीशा निकाल के रख गया था, फिर सामान तो चोरी नहीं हुआ था बट बच गए थे, मतलब बस शीशा किसी ने ऐसे, जैसे ये गाड़ी है तो यहाँ पे साबुत शीशा रख दिया। वाह, फिर ये वाला जो एरिया ना जहाँ पे अभी गाड़ी लगाई हुई है, ये वाला वो होता था कि गाड़ी कोई भी उठा ले जाता था, और यहाँ पे गाड़ी बहुत ज्यादा पुलिस वाले उठा के लेके जाते थे। अब ये वाला एरिया ऑथराइज्ड हो गया, मतलब यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की पर्ची मिलती है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड 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 इवनिंग। ये देख मेरे प्लेट में क्या है, दिखी गया फ्राइड मोमो और तंदूरी मोमो। नहीं नहीं, ये फ्राइड मोमो तो ये हो गया, उसका कलर मैचिंग हो गया, फ्राइड मोमो हो गया ना ये। हाँ, ये तंदूरी मोमो, ये हरियाली मोमो नया। हाँ, नाम हरियाली मोमो, जैसे हरियाली चाप होती नहीं, हरियाली मोमो हम नया इन्वेंट कर देते। अच्छा, ठीक है, क्योंकि तेरे को तो यही दिख रहा होगा। हाँ, मेरे को यही, हफ्ते में दो बार मोमो खाता है, तीन बार नहीं, दो बार तो मैंने देख लिया, तीसरी बार कहीं छुपा के खा लिया तो अलग है। ओहो हो, फ्रूट्स ला, तेरे को फ्रूट प्लेट तो नजर आएगी नहीं, तेरे को ये ब्राउन कलर है, फ्राइड मोमो। रोज खाता हूँ, मेरे को भी रोज फ्रूट्स मिलते हैं, रोज चीकू खाता हूँ और मौसमी खाता हूँ, ग्रेप्स खाता हूँ रोज। चीकू का सही सीजन आ गया, मेरा फेवरेट सॉफ्ट सॉफ्ट चीकू। पर कैसा लगा मेरा ये जो फ्राइड मोमो हरियाली मोमो? वेरी गुड, जबरदस्त, यस। था कि नहीं वेजी पाजी लेवल का, कि नहीं ट्रैवलिंग पाजी लेवल का जोक था, नहीं ट्रैवलिंग पाजी लेवल का जोक। हो गई शॉपिंग फाइनली, सारी शॉपिंग डन, कल के व्लॉग में रिवील होगा कि क्यों कर रहे हम इतनी सारी शॉपिंग। बट मैंने बता दिया था व्लॉग में कि हिंट मैंने लोगों को दे दिया था कि इट इज समथिंग ट्रैवल रिलेटेड। नहीं भाई, लोग इधर उधर बहुत सारे कैसे सोच रहे थे ना। नहीं, ट्रैवल रिलेटेड है, आराम से मस्त होगी, चल रही है, चल रही है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं भाई, टाइम आएगा पता चलेगा। हाँ प्लीज, मेरा बहुत बहुत टाइम है, चलो। हाँ, यस यस, ओके, बाय बाय, करिए शॉपिंग। और ट्यूसडे भी है, प्रसाद भी चढ़ा के आना, चाबी ओ ये, ओके, वापसी रखा करो ना, लगा के सिस्टम बनाया मैंने। अच्छा अच्छा, एक बार तो आपने चाबी ऐसी वो रह गई थी आपकी, याद है ना, वो जब गाड़ी में आपने चाबी छोड़ दी थी, फिर आप ढूंढ रहे थे। चलो मैं बंद कर देता हूँ अब, ठीक है बंद कर देता हूँ अब मैं। वो चाबी यार, वो ना चाबी वो मेटल के जैसी लग रही थी, दो सीटों के बीच में थी इसलिए दिखी नहीं आपको। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, चलो, हो जाता कभी कभार। एक अच्छा दिन वो होता है जब हम लोग खाते हैं बढ़िया से चना मसाला, और आज हम लोग खा रहे हैं बहुत महीनों बाद रोपड़ के चना मसाला। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चना मसाला, और साथ में टीवी देख रहे हैं भाई। जो मर्जी कहो, जो खाना एक पंजाबी को चना मसाला खा के मजा आता है ना, जो खाना नहीं, जो मजा एक पंजाबी को चना मसाला खा के आता है, वो मोमो शोमो में नहीं है, वो पिज्जा पास्ता में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चना मसाला में ही है वो। रात का टाइम हो गया, कुछ कुछ ना एक आध कुछ कुछ काम पेंडिंग थे वो निपटा रहे हैं, अभी भी देख लो, कोई नहीं है, सी नोबडी। Sometimes work means just work. Sometimes it doesn't. यहाँ पे मैं कुछ दिख नहीं रहूंगा तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट मैं ये लाइट भी यूज कर सकता हूँ, अब मैं दिखूंगा। फन है भाई, लाइफ का फन है। रोपड़ के छोले खाने के बाद ना, कोई भी बढ़िया से अच्छी क्वालिटी के चना मसाला खाने के बाद मस्त हो जाती है जिंदगी, है ना, सही बता रहा हूँ। लाइट ऑफ कर देता हूँ, ओके जी। टेस्टी टेस्टी, बढ़िया वाले छोले और राजमा। After a long time, आपके पसंदीदा कौन से ज्यादा है, राजमा या छोले? यार दोनों ही हैं, पर अभी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राजमा ही बढ़िया है। राजमा, तो छोटे छोटे मसालेदार है ना, ये राजमा बिल्कुल घर जैसे बनते हैं, इसलिए ठीक है। यस, बड़े महीनों बाद खाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 1.5 मंथ और 2 मंथ, थोड़े टाइम बाद खाए जाने हैं। करा धीरे 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 शुरुआत करी जाए, धीरे धीरे टेस्टिंग थोड़ा थोड़ा चीकू को मोमो बनाया जाए, वो होता ना, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, मैं बोलूंगा हेलो स्टमक टेस्टिंग 1 2 3, स्टमक टिडी टेस्टिंग 1 2 3, यस, गोइंग ऑन, लाइट खा, राजमा छोले चल रहा जी, लाइट अच्छे से अपना डिनर एंजॉय करो। ओहो, ये तो फूडी संडे वाला डिनर हो गया आज। यस, फूडी संडे बना ऑन अ ट्यूसडे। टेस्टी
चलो एकदम मस्त होता है वही वाला टेस्ट है और घर जैसा टेस्ट, घर जैसा टेस्ट। चलो एंजॉय करो अपना मील। ओके तूने खा लिया? यस मैंने खा लिया। कल रात में तो मस्त खाना वाना खा के सो गए थे। असली मायने में ना फूडी संडे जो है कल ट्यूसडे को हुआ, मजा आ गया। आज के ब्लॉग में मतलब जो कल ब्लॉग डलेगा उसके अंदर आपको बताएंगे क्या हो रहा था इतनी देर से, शॉपिंग शूपिंग और सारी चीज़ों का सिलसिला। जानने के लिए देखते रहिए ट्रैवलिंग पाजी और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा। ठीक है, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।